न्यूज आज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि निगम। भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी का 132वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर 2 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं का सम्मान भी किया गया। कांग्रेस के 132वें स्थापना दिवस पर खास बात यह रही कि सेवा दल का 94वां स्थापना दिवस था। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी का पहला स्थापना दिवस है, जिसको लेकर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में स्थापना दिवस पर विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री हजारी लाल रघुवंश, चंद्रिका द्विवेदी, कुणाल चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, 132वां स्थापना। यह हमने जो वरिष्ठ कांग्रेसमैन हैं, आज उनका यहाँ पे स्वागत और सम्मान किया है। और क्योंकि स्थापना दिवस है, आज हम लोग बैठेंगे और जिस तरह से नया सिस्टम बावरिया जी ने दिया है कि ब्लॉक के साथ मंडलम सेक्टर बनेंगे और बूथ, इन पे किस तरह से काम किया जाए, कैसे अपनी बात, कांग्रेस की बात घर घर तक पहुंचाई जाए, इसके लिए फीडबैक के साथ उसमें काम शुरू करेंगे। बस नए साल में 1 जनवरी से उसके लिए आज यहाँ इस बैठक के बाद, क्योंकि आज सब स्थापना दिवस था, सभी कांग्रेस यहाँ भोपाल के आए हैं, तो इसके बाद बैठ के चर्चा करके और एक किस तरह का पर्चा बनाया जाए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो सब मुद्दों पर एक चर्चा होगी और किस तरह से बूथ बूथ पर पहुँचा जाए। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ आज के साथ।